नमस्कार प्रशिक्षु, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। प्रशिक्षु बहुत बहुत यानी कि बहुत बहुत स्वागत है भाई, है ना, इस तरह समझ लेना। क्योंकि भाई आप लोग तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप लोग के लिए तो हम सेशन लाते ही नहीं है, कहने का मतलब यह हो जाता है। देखिए प्रशिक्षु, हम आपके लिए सेशन लाते हैं, सारे सेशन आपके लिए होते हैं, आप लोग हेल्प नहीं करते हैं, इसका क्या मतलब निकालें हम, कुछ नहीं समझ में आता मुझे। लेकिन बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो कि गुणगान गाते हैं और कुरकुरे बैच, देखिए कुरकुरे है जब तक तब तक ये सारे सेशन आपके लिए लाते रहेंगे हम। और कुरकुरे के नाम से ही हम थोड़ा सा एक बहुत जल्द लॉन्च करेंगे सीटेट के पूरे क्लासेस बहुत जल्द आना स्टार्ट हो जाएंगे, पेडागॉजी वगैरह का। और यह क्लास जो आ रहा है भाई, जो यह SST का क्लास थर्ड सेमेस्टर, DLED थर्ड सेमेस्टर का, यह क्लास आपका बिल्कुल मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा आपको। सुपर टेट में यही सारे सिलेबस भी होंगे। अब हम क्या काम करेंगे, मुगल वंश जैसे खत्म होगा, इस मुगल वंश के सारी वीडियो को हम जो सुपर टेट का प्लेलिस्ट बनाए हैं उसके नीचे मुगल वंश के नाम से एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जिसे कभी भी आप अगर सुपर टेट की तैयारी करना स्टार्ट करो तो उसको पढ़ना जरूर, उसको पढ़ने के लिए आप संकोच न करें कि भैया हाँ यह DLED का है तो सुपर टेट में नहीं आएगा, क्योंकि हम वहां पर लगाए रहेंगे। आप ये चीज समझ पाना कि हाँ यह सुपर टेट में भी आएगा, तो सुपर टेट में बहुत सारी चीजें आते हैं, तो आपको यह यूपी टेट में भी, सुपर टेट में भी, जैसे यूपी टेट का सेकंड पेपर हो गया, सी टेट का सेकंड पेपर हो गया, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी वहां PBS में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक हमने बाबर पढ़ा, बाबर के बाद हुमायूं के बारे में, फिर शेरशाह सूरी के बारे में, जो हुमायूं को इतना मारा था हुमायूं 15 साल भटकने लगे, है ना, तो उसको कितना मारा था। फिर इसके बाद भैया आ गए हमारे अकबर, और अकबर महान की कहानी हमने सुनाया, उनकी महानता की बात। और इसके बाद आ गए हमारे जहांगीर जी के बारे में भी हमने सुनाया। इसके बाद आज हैं शाहजहां के बारे में हम शुरुआत करते हैं। और आप लोग बहुत ध्यान से, इनका शाहजहां का जो नाम था खुर्रम रहता है, खुर्रम बचपन का नाम याद रखेंगे भाई, खुर्रम नाम रहता है। शाहजहां तो बाद में इनके पिताजी नाम देते हैं इसके, मतलब जहांगीर के, मतलब जहांगीर ने इनका नाम दिया शाहजहां। हम स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके सुनते चलिएगा, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आएगी अगर प्यास वगैरह लगा मुझे तो हम हटेंगे, लेकिन बस बरकरार रहेंगे लास्ट तक, आप जाइएगा नहीं। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां आते हैं, और शाहजहां का जो कार्यकाल होता है 1627 से 1557 तक रहता है। अब जोधपुर के शासक जो रहते हैं, मोटा राजा उदय सिंह, क्या नाम रहता है, मोटा राजा उदय सिंह, ये जोधपुर के शासक होते हैं, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से, जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री होती हैं जगत गोसाई, वह जहांगीर की पत्नी होती हैं, उन्हीं के गर्भ से 5 जनवरी 1692 ईस्वी को, 1692 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। किसका भाई, खुर्रम का जन्म हुआ था। 1592 ईस्वी को खुर्रम का जन्म हुआ था। खुर्रम तब खुर्रम था, है ना, तब शाहजहां नहीं था, याद रखेंगे, तब खुर्रम था। अब खुर्रम का नाम बाद में इनका नाम इनके पिताजी शाहजहां रखते हैं, इस चीज़ को याद रखना, गद्दी पर बैठाने के बाद। अब इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, यह बात भी याद रखना, लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में इनका जन्म हुआ था भैया, लाहौर में, ये लाहौर में जन्मे हुए थे। अब 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह हो जाता है भैया, क्योंकि बहुत ज़्यादा यह प्यार वार करने के चक्कर में पड़ गए थे, तो 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह हो जाता है। किससे हो जाता है बता देंगे, यह थी आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम। इनसे यह बेहद प्यार करता था, वैसे भी सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, है ना, सभी लोग करते हैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार भाई, तो यह भी बहुत प्यार करता था, मतलब कि इसके लिए आगे चल के बताया आपको क्या क्या कर देता है, सभी लोग करते हैं अपने अपने रूप से। इसके बाद बहुत पैसा था तो बनाया ताजमहल, लेकिन सब लोग अपने पत्नी के लिए बहुत कुछ करके जाते हैं। तो ये देखिए, अर्जुमंद बानो बेगम जो है, यह लाहौर में, मतलब एक तरह से लाहौर में खुर्रम का जन्म हुआ था, इसका नाम शाहजहां पड़ा बाद में। और यही खुर्रम अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि किसकी पुत्री रहती हैं बता देंगे, आसफ खां की पुत्री रहती हैं, उनसे विवाह इनका हो जाता है, याद रखना है। कब होता है विवाह, 7 जून 1631 ईस्वी को, भैया 1592 को इसका जन्म होता है, 1592 को इसका जन्म होता है, और 1612 ईस्वी को खुर्रम का विवाह हो जाता है, है ना, याद रखेंगे। खुर्रम का विवाह होता है 1612 ईस्वी में, ठीक है, 1612 ईस्वी में होता है भाई, 1631 में नहीं, 1612 ईस्वी में इसका विवाह होता है। कब होता है, 1612 ईस्वी में, 1592 में जन्म होता है, गिन लो कितना साल हुआ, 8 उधर 12 इधर 20 साल के अंदर इसका शादी हो जाता है। अब क्या, भैया शादी के बाद 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा होता है, किसको भाई, आपके अर्जुमंद बानो बेगम को, अर्जुमंद बानो बेगम को एक तरह से प्रसव पीड़ा होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है,
अब इनका नाम एक तरह से मुमताज भी रखा होता है, इनको मुमताज करके बुलाता था प्यार से, मुमताज करके बुलाता था, क्योंकि इनको एक तरह से बहुत लड़के, मतलब होता ना भाई कि चार पांच बच्चे के बाद अब क्या है कि औरतें संभाल नहीं पाती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब क्या, उस समय के जो राजा महाराजा थे वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि बहुत बच्चे कर लेते थे, समझ रहे ना, बहुत प्यार करते थे। तो उसमें नसबंदी वगैरह का प्रोसेस जो है ना वो सारी चीज़ें नहीं थी, और जितना मन करता था उतना बच्चे लोग पैदा कर लेते थे, और तभी जाके तो मुगल वंश में देखते मुगलिया बहुत सारे सेनाओं पर जाते थे इस तरह से आ सकना। तो अर्जुमंद बाद में विवाद भी होता है इसको लेकर, तो अर्जुमंद बानो बेगम का डेथ हो जाता है प्रसव पीड़ा के दौरान, और इनका नाम मुमताज रहता है, याद रखेंगे, और इसके बाद सारी घटनाएं हम आगे करते हैं। अब 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहाँ आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त करके गद्दी पर बैठ जाता है, याद रखेंगे, साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण करता है। कौन धारण करता है बता देंगे कि भैया शाहजहाँ धारण करता है, तब जाके सिंहासन बैठता है। सिंहासन पर कब बैठता है, 4 फरवरी 1628 ईस्वी को यह सिंहासन बैठ जाता है, याद रखेंगे भाई। और उसके कुछ ही साल बाद 1631 ईस्वी को इनकी जो वाइफ होती हैं इनका डेथ हो जाता है, यानी कि जो अर्जुमंद बानो बेगम होती हैं जिनका नाम मुमताज होता है। शाहजहाँ ने आसफ खां को एक तरह से वजीर बनाया था, अपना वजीर का पद दिया था उसका नाम, और एक तरह से महावत खां भी था, एक तरह से जो वजीर थे आसफ खां थे शाहजहाँ के, और जो एक तरह से महावत खां था इनका, एक तरह से जो महावत खां खानखाना की उपाधि, एक मिनट, महावत खां खानखाना की उपाधि ही दिया था अपने वजीर को, जो आसफ खां था इसको यह महावत खान खाना की उपाधि दिया था, याद रखेंगे। जो कभी कभी पूछ लेता है कि भैया शाहजहाँ के जो वजीर थे उनका नाम बताइए, तो वजीर की जगह आसफ खां की जगह वो कभी कभी दे देता है कि खानखाना या फिर महावत खां खानखाना, तो यह सारी चीज़ें याद रखना है। तो यह उन्हें उनकी वजीर के ही नाम थे। इसके बाद आ जाते हैं हम आगे, इसने नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया था, नूरजहाँ जो थी इसको एक तरह से लाहौर जाने दिया था, जहाँ 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब अपनी बेगम मुमताज के लिए क्या करता है भैया, एक तरह से कह लीजिए कि रचना शुरू करता है कि भाई अब क्या हो, एक महल वगैरह बनाया जाए, क्योंकि भाई पत्नी से अपने बहुत प्यार करता था मुमताज से, बहुत, एक मिनट, ये अर्जुमंद बानो बेगम थी ना, अर्जुमंद बानो बेगम का नाम मुमताज था कि नूरजहाँ का नाम, ये नूरजहाँ की नाम था मुमताज, याद रखना, नूरजहाँ का नाम मुमताज था, उनके याद में बनाया था, इनकी याद में नहीं बनाया था। नूरजहाँ से बहुत प्यार करता था भाई, नूरजहाँ उसकी वाइफ थी, उनसे बहुत प्यार करता था, उनके याद में यह महल बनाता है, ताजमहल बनवाता है। अब यह ताजमहल पता है बहुत लंबे दिन तक चलता है, 1628 से स्टार्ट करता है, पता है 1658 ईस्वी तक चलता है, बहुत सुंदर सा ताजमहल होता है। जब इनका डेथ हो जाता है और इनके कब्र पर ही शाहजहाँ जो है एक तरह से ताजमहल खड़ा करता है। अब ताजमहल को एक तरह से कह लीजिए कि जो खाका तैयार करता है उसका नाम रहता है उस्ताद ईसा, याद रखना, खाका तैयार करना, सिर्फ उस्ताद ईसा था, खाका से तैयार करना, मतलब होता है ना घर की डिजाइन बनाते समय सबसे पहले यह तय किया जाता है घर की डिजाइन कहाँ होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ रूम होगा, कहाँ अगर आगे बहुत सारे रूम देने हैं भाड़े पर तो वह कैसे बनेगा, ऊपर जाने का सीढ़ी कहाँ से होगा, बाथरूम बेडरूम कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें खाका बनाया जाता है। तो खाका बनाने का काम उस्ताद ईसा ने किया था, याद रखेंगे, खाका बनाने का काम उस्ताद ईसा ने किया था। और जो एक अहमद लाहौरी था वह एक तरह से स्थापत्य कला किया था, मतलब स्थापत्य कलाकार था, वह बिल्डिंग को बनाया था। तो याद रखेंगे उस्ताद ईसा जो है वह खाका तैयार किया था, जो अहमद लाहौरी है, कौन भैया, अहमद लाहौरी जो है यह क्या काम किया था, यह पूरा का पूरा एक तरह से जो बिल्डिंग है ताजमहल का उसको डिजाइन किया था, ये चीज़ याद रखेंगे। अब एक चीज़ इसमें और आ जाता है, एक मोड़ और आता है, कह लीजिए कि इसका ताजमहल का निर्माण तो अहमद लाहौरी ने कराया था, और इसके बाद एक और लोग आते हैं भाई जो कि इसके एक तरह से कलाकार होते हैं, उसका नाम क्या होता है, बे बादल खां ने एक तरह से मुख्य कलाकारी करी थी, जैसे कि गुंबद का कलाकारी हो गया और अन्य जो जड़ाऊ चीज़ें हो गए जो ताजमहल को मतलब अच्छा लगे देखने में, हीरे हो गए, एक तरह से जो संगमरमर लगा था वाइट वाला, वह सब जो राजस्थान से आया था संगमरमर, यह सब जो लगाने का काम है जड़ुआ काम, वह कौन किया था, कलाकार बेबादल खां, क्या नाम था, बेबादल खां। अभी इस पर कुछ टिप्पणियां हम आपको बताएंगे जो आपको याद रखना है, जैसे कि उस्ताद ईसा खां है ये खाका तैयार किए थे, और अहमद लाहौरी हैं जो कि बिल्डिंग बनाए थे, मतलब एक तरह से स्थापत्य कलाकार या थे, और जो बेबादल खां हैं ये क्या थे भैया, ये कलाकार किए थे। ताजमहल कब से बनना स्टार्ट हुआ याद रखना है, 1500 सॉरी 1600
1628 से लेकर 1658 तक, 1658 तक यह बना, मतलब 1658 में बन के तैयार हो गया। अगर आज होता ताजमहल, आज बनने को तैयार होता ताजमहल, पता नहीं कितने साल लग जाते, आज घोषणा होता पता चलता 40-50 साल बाद स्टार्ट होता उसका। लेकिन उस समय क्या था, तुरंत दिमाग में आया, तुरंत बन गया, अपनी पत्नी के जो कर लीजिए उनका मकबरा था उसके ऊपर वो बनाना स्टार्ट कर दिया। उसी बगल में इनका भी मकबरा है, लेकिन वह पूरा का पूरा ताजमहल इनकी पत्नी के याद में है, आगरा में है। यमुना नदी के दक्षिणी तट पर है, ये बात भी याद रखेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखना कितने लोग कटाक्ष करते हैं यहाँ पर कि जो ये ताजमहल है ये कहीं बहुत पहले से बना था, इसमें शाहजहाँ ने कुछ नहीं बनवाया है, शाहजहाँ ने सिर्फ एक तरह से नाम बदल, जैसे कि जो 1992 की घटना आपको पता है कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर है अकबरी करके था उसको तोड़ा गया, बाद में उस पर जो राम भक्त थे उस पर चढ़े और पूरा का पूरा सत्यानाश किया, गुंबद वगैरह गिरा दिया 1992 में। तो वह घटना चलती गई लास्ट में आके 1920 में फाइनल हुआ है ना, तो बाद में अब जाके वहाँ पे मंदिर का निर्माण होना शुरू हो गया है। और उसी के उपलक्ष्य में एक तरह से 50 बीघे जमीन जो है कि मुस्लिम भाइयों को दिया गया अलग सके, अलग से अयोध्या में ही दिया गया कहीं कि अपना वह जो भी चीज़ें हैं बनवा सके। तो ये चीज़ें हैं और आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि एक तरह से कह लीजिए कि जड़ाऊ काम वगैरह हुआ था जहाँ पर एक तरह श्रृंखला बनाई गई थी, एक तरह से वहाँ पर एक तरह से कह लीजिए पौराणिक चीज़ें हुआ करती थी, जो चीज़ें हैं जो वहाँ पर एक तरह से कह लीजिए जो जो एक देवता लोग हैं ऑफियंस जिसे मानते हैं, देवता ऑफियंस बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है, वह सारा काम जो है कि जो अब देखेंगे ताजमहल में ये सारी चीज़ें जड़ाऊ वाला काम किसने किया है, बेबादल खान किया है ना। याद रखेंगे, कोई कई लोग कहते हैं कि सर वहाँ पे मतलब है वहाँ पे छेद है कहीं से बारिश का पानी, जब अब बारिश होती है तो कहीं छेदा से पानी नीचे आता है, तो लोग आशा करते हैं कि भविष्य में ख़राब हो जाएगा। आज आपका ताजमहल भी थोड़ा सा ख़राब होने लगा इस वजह से भी, क्योंकि जो आपके हरित गृह प्रभाव हैं जो आपको देखने को मिलते हैं SO2 नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब के कारण थोड़ा सा पीला पड़ने लगा है। तो सरकार उसको मॉन्यूमेंट्स को आर्टिकल नंबर 50 के थ्रू वो सुरक्षित रखने का भी काम करती है, क्योंकि सरकार का दायित्व तो है आर्टिकल नंबर 50 के थ्रू जो DPSP में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 50 उसमें साफ साफ लिखा गया है कि एक मिनट, आर्टिकल नंबर 50 नहीं, आर्टिकल नंबर 49 में, आर्टिकल नंबर 50 में तो यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय मतलब कि न्यायालय जो है हमारा एक तरह से स्वतंत्र है कार्यपालिका से, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ। लेकिन 49 में ये लिखा गया है मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा करेगी सरकार, उसका हक है। अब देखिए शाहजहाँ के काल को हम कहते हैं भैया स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, याद रखना इसके समय बहुत सारी बिल्डिंगें बहुत सारी चीज़ें बनते शुरू हो गई, ध्यान से सारी चीज़ें सुनते चलिएगा क्या क्या बनी शाहजहाँ द्वारा। एक तरह से सबसे पहले बनाया गया भैया क्या, याद रखेंगे ये तो ताजमहल तो है ही है ना, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई भैया, हम बताते हैं बस सुनते चलिए आप लोग, बहुत सारे प्रमुख इमारतें थी, हम एक एक चीज़ बताते हैं। जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया और दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया। दिल्ली का कॉलेज की भैया जामा मस्जिद हो गया, इसके बाद मस्जिद जामा मस्जिद के बाद आगरा का मोती एक तरह से आगरा का मोती मस्जिद हो गया, इसके बाद कॉलेज ताजमहल शीश महल ये सारी चीज़ें बनाई गई इसके द्वारा, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि इसके द्वारा बनाई गई। अब शाहजहाँ जो है कि चलता चला गया, अब शाहजहाँ कब तक चलता है 1657 तक चलता है, 1658 में जाके कंप्लीट होता है आपका ताजमहल। अब लोग कहते हैं सर जो अहमद लाहौरी था इसका हाथ काट दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि इसको पता था कि हम केवल और केवल ताजमहल बनवा सकते हैं, बना दिए तो इसके बाद ऐसा महल कभी नहीं बनाना है हमें। अब यह बातें तो अफवाह होती हैं, फिर बच्चों की बचकानी बातें होती हैं कि जो ताजमहल था ताजमहल बनाया था उसका हाथ गोड़ सब कुछ कटवा दिया था शाहजहाँ की, ऐसा कुछ न बनाने पाए। बाद में पता है आपको औरंगजेब शाहजहाँ के देखी देखा अपने पिताजी का देखी देखा, तो औरंगजेब जो इसी का पुत्र होता है, इसके 4 पुत्र होते हैं, सब आपस में लड़ाई करते हैं, अभी हम बताते हैं, सब आपस में लड़ाई करते हैं, औरंगजेब बाद में जीत जाता है क्योंकि शाहजहाँ का एकदम तबीयत खराब हो जाता है। जब शाहजहाँ का तबीयत खराब होता है तो 4 पुत्र उसके कहीं कहीं रहते हैं, जो सबसे योग्य पुत्र होता है उसका, उसको यह अपना राजपाट देने का विचार करते हैं, लेकिन बाद में उसको मार दिया जाता है जहर देकर औरंगजेब द्वारा, है ना, उसको मार दिया जाता है क्योंकि वह एक तरह से वसूलों का जो रूल रेगुलेशन है उसका फॉलो नहीं करता है। बाद में तो जनता द्वारा एक तरह से विरोध किया जाने लगता है कि इसको हटाया जाए पद से, क्योंकि अब यह रहेगा तो हमारा राजपाट कैसे चलेगा जो कि विरोधी खुद है ना, तो इस वजह से इसको हटाया गया। और बाद में औरंगजेब सारी चीज़ें संभालता है, औरंगजेब पागल था ससुरा, औरंगजेब पागल था इस वजह से क्योंकि जो संगीत कला था जो स्थापत्य कला था इस सबका बहुत ज़्यादा विरोधी था, वह देखने को मिलता संगीत हो गई तो सबका सत्यानाश कर देता, जो संगीत बजाता था उसको मार देता था जान से, है ना, चित्रकारी था उसको मार देता था, यह सारी चीज़ें उसके दिमाग में थी बहुत सारी, कैसे पागल था है ना। लेकिन एक तरह से कह लीजिए कि उसके समय जो अंग्रेज़ों का दबदबा था बहुत कम था, अंग्रेज़ों को धड़का कर रखता था, जो उसमें हम पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री तो ध्यान देंगे इस चीज़ को हम, आप लोग सुनते चलिएगा। अब क्या होता है भैया सारी चीज़ें हो गई, अब देखिए जो यह महल बना था ताजमहल बना था उसको एक तरह से मतलब कह दीजिए कि जो हुमायूं का मकबरा था
ताजमहल का पूर्ववर्ती कहा जाता है। ताजमहल जैसा है, ताजमहल का पूर्वगामी है, है ना। पूर्वगामी मतलब पीछे का, आपने पढ़ा होगा अपवर्ती पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती मतलब पीछे का, अपवर्ती मतलब आगे का, तो पूर्वगामी बोला जाता है हुमायूं के मकबरा को। ये चीज़ मतलब वैसा हूबहू नहीं था, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है। जैसे कि आपने पता, आप आगे पढ़ेंगे जो औरंगजेब आएगा, एक तरह से बीबी का मकबरा बनाता है अहमदनगर में, और बिल्कुल हूबहू नकल होता है ताजमहल का, वो भी अपनी बीवी की याद में बनाता है, लेकिन वैसा नहीं बना बनता है जैसा कि ताजमहल सच में होता है। तो शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर की मुगल साम्राज्य में एक तरह से मिला लिया। आपको पता होगा कि जो अहमदनगर था वह जहांगीर के समय अलग हो गया था, उसमें एक राजा बलवान था जो कि उसको ले लिया था, खींच लिया था, लेकिन बाद में शाहजहां आता है अपने बलपूर्वक, वह सारी चीज़ें 1632 में जो जहांगीर के समय मतलब चली गई थी, अब 1632 में अहमदनगर को फिर से मुगलों में मिला लेता है। ठीक है, अभी आगे आप देखेंगे जब इसका तबीयत खराब हो जाता है तो इसके पुत्र आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि इसका जो योग्य सबसे पुत्र होता है दारा सिको होता है, दारा सिको की यह गद्दी देना चाहता है, लेकिन बाद में इसके चार पुत्र होते हैं, जैसे मुराद हो गया, सूजा हो गया, औरंगजेब हो गया, मुराद, सूजा, औरंगजेब। तो इसके समय 2-3 लड़ाइयाँ होती हैं, दरअसल सारी लड़ाइयाँ हमको नहीं याद करनी, इसके समय सिर्फ औरंगजेब के साथ जो दारा सिको का 2 लड़ाई हुआ था, एक तो लड़ाई हुआ था दारा सिको का धर्मठ का युद्ध, धर्मठ का युद्ध हुआ था 5 अप्रैल 1658 को, और एक और युद्ध हुआ था दोस्तों, एक युद्ध हुआ था सामुगढ़ का युद्ध हुआ था, यह सामुगढ़ वाला हुआ था 1658 को हुआ था, इसमें भी दारा सिको हारा था, और एक हुआ था धर्मठ का। जो धर्मठ का युद्ध होता है इसमें कल जे की औरंगजेब बहुत चालाक होता है, पता क्या करता है, पहले चारों भाई उसके नाम बताते हैं, ध्यान सुनिएगा, एक चीज चलते हैं क्रम से बताते हैं आपको। अब देखिए शाहजहां ने 1638 ईस्वी के आसपास में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली बना लिया। तो आपसे पूछा जाता है कि जो इसकी राजधानी थी आगरा से दिल्ली कब हुई, तो 1638 ईस्वी के आसपास में हो जाता है, और कह लीजिए कि यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहां ने यह बनवाया था अपनी, एक तरह से अपनी यह राजधानी। ये चीज़ याद रखेंगे, आगरा के जामा मस्जिद का एक तरह से निर्माण भी शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने कराई थी। जहां आरा कौन थी, एक तरह से शाहजहां की पुत्री रहती है, शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने एक तरह से कह दीजिए इसका निर्माण कराया था जामा मस्जिद का। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हाफिज, याद रखेंगे मीर हकीम या फिर मीर हसीम करके था, मीर हसीम था, याद रखेंगे, शाहजहां के दरबार के एक तरह से कह लीजिए एक तरह से वंशीधर कहा जाता है, वंशीधर मिश्र उनका नाम था पूरा का, वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण, वंशीधर मिश्र और हरिनारायण जो थे भैया, ये दोनों लोग संस्कृत के कवि थे, सोच लो बहुत विद्वान थे, यानी जो ये दरबारी थे दोनों लोग वंशीधर और एक तरह से हरिनाथ थे, ये एक तरह संस्कृत के कवि थे, पुराणों को जानते थे, बहुत ही विद्वान थे भाई, है ना। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां के गुड़ समंदर की उपाधि धारण किया था, मतलब दिया था उनको कि भैया आप गुड़ समंदर हो, आपका जो आवाज़ है बहुत मीठी है, एवं उसी जगह संगीतज्ञ जो थे जगन्नाथ, उनको एक तरह से हिंदी कवि की उपाधि दिया था, उनको हिंदी कवि के नाम से जाना जाता था, हिंदी कवि के नाम से जाना जाता था उनको, एक तरह से महाकाबोरम है ना, इस तरह से नाम दिया था, महाकाबेराय इस तरह कुछ नाम था, रुकिए एक मिनट हम देखते लिखते हैं उसको, महाकविराय, महाकविराय या फिर महाकाव्यराय, कई नाम से जाना जाए, वही महाकविराय या फिर महाकाव्यराय, यह कह लीजिए महाकविराय या फिर महाकाव्यराय की उपाधि वह दिए थे, और किसको दिए थे तो बता देंगे, संगीत जगन्नाथ जो थे, संगीतज्ञ थे जगन्नाथ, उनको दिया गया था। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। अब इस बीच में जब इसकी तबीयत खराब होने लगती है तो इसके चार पुत्र थे, चारों पुत्र में जो सबसे योग्य पुत्र था उसका नाम था दारा सिको। अब दारा सिको को यह राजपाट पता चलता, मतलब जब तीन बेटे उसके बाहर रहते हैं, तीनों के तीनों बेटे उसके बाहर थे। अब इसमें क्या होता है, इसके पहले शाहजहां ने दिल्ली कॉलेज का भी निर्माण करता है, यह बात याद रखना, दिल्ली कॉलेज का जो नाम था दाइलविका नामक कॉलेज था, दाइलविका, तो दाइलविका नामक कॉलेज रहता है दिल्ली में, उसका निर्माण करता है, उसका मरम्मत करवाता है, और सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां एक तरह से गंभीर रूप से बिल्कुल बीमार पड़ जाता है। कब, 1657 ईस्वी के आसपास में, जब एक साल बाद उसका ताजमहल बनकर तैयार होता है, तो वह बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। तो उसके चार पुत्र होते हैं, चारों पुत्र में जो सबसे योग्य पुत्र होता है दारा सिको सबसे बड़ा भी पुत्र होता है इसका, दारा सिको सबसे बड़ा भी पुत्र होता है, लेकिन दारा सिको इसके पास ही रहता है दारा सिको, और इसके जो तीन पुत्र और होते हैं ये अलग अलग, उनको एक तरह से अलग अलग क्षेत्र में वो रखा था, जैसे कि मुराद है, मुराद गुजरात वाले क्षेत्र में रखा था वो, मुराद को गुजरात वाले क्षेत्र में रखा था, इस तरह से औरंगजेब है, औरंगजेब था,
और एक और पुत्र था इसका, क्या नाम था भाई, औरंगजेब के बाद एक और पुत्र था सूजा करके था, सूजा को बंगाल में रखा था। जो औरंगजेब था यह दक्कन वाले पठार में था, नीचे वाले क्षेत्र में था, दक्कन दक्कन वाले में था। और जो शाह सूजा था यह बंगाल वाले क्षेत्र में कृषि अपना राजपाट वहाँ पे कर रहा था। उसको कुछ क्षेत्र दिए थे, भैया आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो, कहीं पुत्र थे अलग अलग जगह पे थे। लेकिन दारा सिको अपने पिता के साथ ही था, शाहजहाँ के साथ था, और दारा सिको ही सबसे ज्यादा मतलब शाहजहाँ के साथ जो था, सॉरी शाहजहाँ करे सही तो भाई शाहजहाँ के साथ ही रहता है दारा सिको, क्योंकि यह बहुत योग्य होता है, बड़ा भी पुत्र होता है। जाहिर सी बात है कि हर बेटा हर बाप यही चाहता है कि उसका बड़ा पुत्र पहले राजगद्दी को संभाले। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब के दिमाग में घटकने लगा, अब औरंगजेब के साथ साथ इन सब के दिमाग में घटकने लगा। अब क्या काम करता है, अब सबसे पहले क्या करता है भैया, यह शाह सुजा हड़ताल बोल देता, धरना बोल देता, भाई अब हम कुछ नहीं, हम हाथ खड़े कर लेते हैं, हमको भी चाहिए गद्दी। तो ये काम करता है भाई, क्या यह दारा सिको कहता है पहले लड़ाई करो हमसे, तो ये इसको हरा देता है, इसका कहानी खत्म हो जाता है, इसको मार देता है उसी जगह, कहानी से खत्म हो जाता है। लेकिन मुराद एक तरफ होता है, मुराद गुजरात मतलब एक तरह से चार क्षेत्र में बटे हुए थे। आप खुद देखिए, यह था यहाँ पर शाहजहाँ दिल्ली वाले क्षेत्र में, मतलब दारा सिको दिल्ली वाले क्षेत्र में था, औरंगजेब दक्कन वाले क्षेत्र में था, और गुजरात वाले क्षेत्र में यह मुराद रहता है, मुराद रहता है इधर, और इधर वाले बंगाल वाले क्षेत्र में शाह सुजा रहता है। शाह सुजा मतलब चारों तरफा देख रहे हैं आप, सारे इसके बेटे बैठे थे, लेकिन दारा सिको ही उसके पास था। दारा सिको को ही लगता है कि भैया अब हम अपने पिताजी को मतलब एक तरह से मतलब हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। अब सबको खलबली मच जाती है, इन तीनों पुत्रों को, भैया ये कैसे बैठेगा गद्दी पर, हम नहीं बैठने देंगे। और औरंगजेब महान कूटनीतिज्ञ था, बहुत खतरनाक पर्सन था, ये सारी चीज़ें अपने व्यू से सोचता था और बहुत दूर की चीज़ें सोचता था, तभी ये लास्ट तक बचा रहा और लास्ट में जीत जाता है। ये पागल था एक तरह से कह लीजिए। ये अपने पिताजी को मारता है, अपने पिताजी को बंदी बना लेता है, है ना, अपने पिताजी को बंदी बनाता है औरंगजेब। आपको पता होगा हर्रक वंश में हम लोग पढ़े थे, हर्रक वंश में जो आपका एक तरह से क्या नाम रहता है, हर्रक वंश में तीन पर्सन आता है ना, एक तरह से बिंदुसार होता है, और उसका पुत्र आता है, फिर उसका पुत्र आता है जो कि अपने खुद में उदयन रहता है, बिंदुसार के बेटे का हत्या करता है, बिंदुसार का हत्या करता है, बिंदुसार अपने पिता का हत्या करके आया होता है ना, तो बिंदुसार का भी हत्या उसका बेटा कर देता है, उसको पितृहंता बोलते हैं। इस प्रकार से हर्रक वंश पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी तरह से औरंगजेब भी अपने पिताजी को मार देता है, मारता क्या है, इसको बंदी बना लेता है। और यहाँ पर एक घटना घटने को यह मिल जाता है कि जो यहाँ पर दारा सिको बैठा रहता है, दारा सिको यह कहता है भैया यहाँ से गद्दी से हमको उतारने से पहले हमसे लड़ाई करना पड़ेगा। तो आता है पहले मुराद के पास, मुराद से यह जाके मिल जाता है औरंगजेब, अच्छा मुराद से औरंगजेब जाके मिल जाता है। औरंगजेब बहुत कूटनीतिज्ञ होता है, क्योंकि चाहता है कि चारों को हराना पड़ जाएगा हमें अगर अकेले दारा सिको को हराने निकल गए। तो ये काम करता है भैया, आता है पहले यह जो आपका शाह सुजा होता है इसके साथ भिड़ जाता है, और शाह सुजा को यह मार भी देता है। अब क्या काम करता है, अब यह औरंगजेब जो है इधर चला जाता है, किसके साथ मिल जाता है, मुराद के साथ। मुराद और औरंगजेब मिलकर दोनों इसके साथ जाते हैं, दारा सिको एक बार हराते हैं, दारा सिको हार जाता है, इसके बाद दारा सिको इसका संग छोड़ देता है। और पहले ही युद्ध को जो दारा सिको के साथ मिलकर लड़ता है औरंगजेब, उस युद्ध को जानते हैं धर्मट का युद्ध, किसके नाम से, धर्मट का युद्ध, जो कि 1658 में होता है, 5 अप्रैल 1658 ईस्वी को होता है धर्मट का युद्ध, किसके बीच में, मुराद औरंगजेब और दारा सिको के बीच में, औरंगजेब और दारा सिको कहा जाता है। तब क्या होता है, यह हार जाता है। अब इसके बाद ही यह हारता है, मरता नहीं, हार जाता है सिर्फ। अब इसके बाद क्या होता है, यह औरंगजेब इसको मार देता है, किसी तरीके से जहर वहर देकर इसे मार देता है, मुराद को ही, मुराद का काम सफाया हो जाता है। अब बचा औरंगजेब और दारा सिको। अब औरंगजेब दारा सिको में लड़ाई होती है एक और, उसका नाम क्या रहता है भैया, याद रखेंगे कौन सी लड़ाई हमने बताया था भैया, सामूगढ़ वाले क्षेत्र में होता है, सामूगढ़ होता है, इसका नाम कब होता है, 29 मई 1658 ईस्वी को होता है, 29 मई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ का एक युद्ध होता है औरंगजेब और दारा सिको में होता है। वहाँ पे दारा सिको पराजित ही नहीं, उसको मार दिया जाता है, एक तरह से उसको भगा दिया जाता है, मारकर उसे एक तरह से कहा जाता है भैया आप जो है कि जो राजपाट है उसका उल्लंघन किए हो, और पूरी जनता उसकी विरोध करने लगती है, मजबूरन उसे मारना पड़ जाता है औरंगजेब को, उसे कत्ल कर देता है औरंगजेब, कत्ल करवा देता है कि भैया हम रहेंगे मतलब ये रहेगा तो विरोध होते रहेंगे, इससे बढ़िया इसको काट देता है तुरंत। अब क्या काम होता है, अब अंतिम युद्ध देवराई की घाटी मार्च 1659 ईस्वी में होता है। अच्छा एक मिनट, हमने क्या बताया था, ठीक है ना, ये तो इसके साथ गया था लड़ने के लिए, पहला युद्ध कौन सा था, पहला युद्ध था भैया कौन सा, धर्मट का युद्ध। ये मुराद इसके साथ मतलब औरंगजेब और मुराद मिलकर धर्मट का युद्ध लड़े थे एक बार, औरंगजेब इसके साथ अकेले लड़ा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था भैया सामूगढ़ का युद्ध, तब यह नहीं मरा था। उसके बाद एक और युद्ध होता है दोस्तों, अब इसमें जाके उसकी डेथ होती है, उसका नाम क्या रहता है याद रखना, युद्ध होता है जिसका नाम होता है भैया 1659 ईस्वी को होता है, 1659 ईस्वी को होता है, उसका नाम होता है घाटी देवराई घाटी का युद्ध होता है,
इसमें मरता है, सॉरी गलती हो गई, पाला धर्मठ का युद्ध दोनों साथ जाते हैं, फिर एक युद्ध होता है सामुगढ़ में, ये अकेले दारा सिंह को हराता है, फिर उसके बाद एक और लड़ाई होती है देवराई घाटी का युद्ध। देवराई घाटी में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, उसी समय इसको मार दिया जाता है, कहा जाता है धर्म की अवहेलना इन्होंने कर दिया था दारा सिंह ने, तो उसको मार दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है भैया, पूरा जो राजस्थान हो गया, अलवर हो गया, कंकड़ वाले किला हो गया, ये सब के सब क्या जाते हैं, जयसिंह सेकंड जो होता है, जयसिंह सेकंड के कब्जे में था, उसको पूरा का पूरा शाहजहां मतलब जो रहता है उसको ले लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है। अब शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिंह को एक तरह से कहा जाता भैया, दारा सिंह को किस नाम से जाना जाता था, तो उसका नाम था एक तरह से एक और नाम था शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी दारा सिंह को जाना जाता था। यह कहानी थी पूरा औरंगजेब अब राजपाट संभालने लगा। अब क्या होता है कि सारी चीज़ें इधर प्रारूप रूप से चलती रहती हैं, औरंगजेब जब तक मरता नहीं है 1707 ईस्वी तक, उसके बाद उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है 1707 से, क्योंकि औरंगजेब का कोई बेटा नहीं रहता है, तो औरंगजेब की मौसी रहती हैं 3-4, है ना, फलनवा मौसी, 3-4 मौसी रहती हैं, तो तीनों चारों मौसी के जो बेटा रहते हैं वो सब लड़ाई करने लगते हैं, तो पढ़ाएंगे उत्तर मुगल काल एक सेपरेट वीडियो में, लेकिन इससे पहले जान लेंगे। देखिए 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब जो होता है शाहजहां को बंदी बना लेता है। बंदी बना लिया आगरा के किले में एक तरह से अपने पिताजी को उम्र कैद, मतलब एक तरह से कह लिए उनको एक तरह से उम्र कैद के लिए रख दिया, 8 साल तक वो उम्र कैद, मतलब एक तरह से उनको कह दिया भैया उसी में आप मर कट जाओगे, है ना, उम्र कैद कर दिया 8 सालों तक। 8 सालों के बाद जब तक वो बंद थे, उसके 8 साल बाद उनकी जाकर डेथ होती है, कब होती है डेथ, 1666 यानी 22 जनवरी 1666 ईस्वी जाकर इनका डेथ होता है। आपको पता होना चाहिए 1666 ईस्वी को हमारे गुरु नानक देव का बर्थडे, मतलब इनका बर्थ हुआ था 1666 ईस्वी को, गुरु नानक देव जो सिख के 10वें गुरु थे, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यही औरंगजेब होता है जो कि एक तरह से जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनको मरवाया था, याद रखना तेग बहादुर को मरवाने वाला यही था, और जहांगीर ने किसको मरवाया था, 5वें गुरु को, अर्जुन देव को मरवाया था, ये कल हमने डिस्कस किया था ये सारी चीज़ें, बस इतनी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें फैक्ट के साथ हमने जो आपको बताया पढ़ने का तरीका कहानी के रूप से, अगर इस रूप में पढ़ेंगे तो शायद आपको सारी चीज़ें नहीं भूलेंगी। अब हम औरंगजेब वाले कहानी में पढ़ेंगे फिर से ये सारी चीज़ें। आज तो यह समाप्त हो गया आपका शाहजहां बहुत ही रंगीन मिजाज का था भाई, है ना, रंगीन चीज़ें बनवाता था, स्थापत्यकला, यह बस इतना बहुत है। अब बस आप लोग की दुआएं अगर साथ रही तो ये हमारी फैमिली बहुत जल्द बड़ी होगी। मित्र कुरकुरे बैच को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दीजिए, और यह बैच क्योंकि आपको कुरकुरे बैच पढ़ना ही है, पढ़ना 4th सेमेस्टर का एग्जाम देना है तो कुरकुरे बैच तो पढ़ना है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कुरकुरे बहुत टेस्टी है, तो उसको प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा टेस्ट के रूप में स्वाद लेते हुए पढ़ाई करिए, जिससे कि बहुत आनंद आए और हमें भी उतना अच्छा फील हो कि भैया सच में हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहन ये सारी चीज़ को प्रोत्साहन दे रहे हैं हमें, और बैच लाने में दिक्कत ना हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे बहुत चीज़ें आपको दिए जाएंगे फ्री में बिल्कुल, और आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पल पल अपडेट जो होते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू ना मिल पाएँ, कभी दिक्कत हो जाता है यूट्यूब पर, तो आपको वहाँ प्रोवाइड किए जा सकें, सारी वीडियो वहाँ पर भी जाती हैं, वहाँ पर क्लिक करते आप सीधे यूट्यूब पर आ जाएंगे। धन्यवाद, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।